हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशल, जो ये रिकमेंडेशन आई थी उस वजह से मैंने अभी के अभी बनाने का सोचा है। ये जो वीडियो है स्पेशल नी पेन जिन्हें है उनके लिए है। आप देख लेना, ऐसे तो मेरे नी पेन के पहले भी वीडियो आ चुके हैं, लेकिन ये रिसेंटली जैसे ही आज मुझे ये रिक्वेस्ट मिली तो मैंने सोचा चलो अभी के अभी एक नया वीडियो बनाकर आपको भेज दूं। चलो तो स्पेशल मनीषा के लिए बना रही हूँ। तो देखो, जैसे हमें बिस्तर से भी उठते हैं सुबह सुबह, तभी भी हम ये कर सकते हैं। घर में बैठ जाते हैं जब सोफा पे या चेयर पे, डाइनिंग टेबल पे टीवी देखते हुए, जब भी हम बैठते हैं उस वक्त जिन लोगों को नींद है उन्होंने ये करना है। स्ट्रेट करना है पैर, रिलैक्स होना है। ये कंटिन्यू हम 10-10 टाइम एक लेग का करेंगे। 2 टाइम हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। देखो दूसरे पैर का तुरंत करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये हुई बैठे बैठे एक्सरसाइज। अब थोड़ा आगे आना है, जिस पर भी आप बैठे हो, बेड पर भी हो तो थोड़ा आगे आना है, जैसे सिर्फ हिप्स यहाँ पे टच हो और पैर को हमें इस तरह उठा लेना है और देखो सर्कल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वैसे ही सेम हमें ये पैर को भी करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये हमारा चेयर वाला एक्सरसाइज हुआ। अब ये हमने एक्सरसाइज की है, अब हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज। अभी हमने दो एक्सरसाइज की है, अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज क्या है। हमें एक टर्किश टॉवल लेना है, ये नैपकिन है, आप टॉवल ले सकते हैं और इसे दो पैर के बीच में रखना है। थोड़ा हमें पीछे बैठना है। अब हमें देखो पैर से इसे नी से दबाना है, छोड़ना है, 1, 2 देख रहे हो आप, 3 प्रेस कर रही हूँ छोड़ रही हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 होल्ड करके रखना है। देखो मैंने प्रेस करके होल्ड किया है, होल्ड 10 मन में काउंट करना है, तब तक होल्ड करना है और छोड़ देना है। अब हम फ्लोर पे एक्सरसाइज देखेंगे। हमें बैठना है और ये जो हमने टर्किश टॉवल जो बोला है मैंने वो अच्छे से लेना है और इसके नीचे रखना है, बराबर नी के नीचे, और हमें नी को प्रेस करना है। प्रेस किया, उठाया, पैर मेरा फ्लोर पे टच है, हिप्स भी टच है, अभी इसे हमें सिर्फ दबाना है, उठाना नहीं है आगे वाला पैर। देखो 1, 2 कुछ सेकेंड होल्ड भी कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दसवां जो है वो हमें दबाकर होल्ड करके रखना है और मन में काउंट करना है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो दूसरा पैर करेंगे। देखो हमें इस तरह बराबर नी के नीचे रखना है और प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9 and 10। अभी 10वां जो है मैं होल्ड करके रखूंगी, होल्ड पूरा दबाया है मैंने नी और होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब जो ये टॉगल है वो हमें यहाँ पर लेना है, देखो मेरी यहाँ पे गैप आ गया। अब क्या करना है, इसे उठाना है, 1 2, देखो ये लॉक हो जाता है, वैसे लॉक होना जरूरी है, 2 3, कुछ सेकंड पकड़ के रखना है, 4 5 6 7 8 9 and 10। 10वां जो है वो होल्ड करके रखना है, ये टाइट है और पैर ऊपर है, मन में 10 काउंट करने तक हमें होल्ड करना है, रिलैक्स। अब सेम हमें ये इधर रखना है, बराबर थाइस के नीचे रखना है और देखो 1 2 3 4, ये लॉक हो जाता है, 5 6, हील को उठाने वहां से, 7 8 9 and 10। 10वां हमें होल्ड करना है, कुछ सेकंड के लिए हमें ये पकड़ के रखना है, मन में 10 काउंट करके हमें इसे पकड़ के रखना है, होल्ड करना है यानी एंड रिलैक्स। ये हुआ। अब हमें एक पैर नजदीक लेना है और इसे पूरा उठाना है, थाइस से इसे उठाना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वैसे ही ये थोड़ा थाइस पे प्रेशर देता है लेकिन करना जरूरी है, वैसे ही देखो हमें ये पैर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बस इतनी एक्सरसाइज आपने दिन में 3 बार, ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज दिखाई आपको गिन के 3 बार दवाई के जैसे करनी है। हम दवाई कैसे दिन में 3 बार खाते हैं, वैसे ही घुटनों पर जिन्हें दर्द है वो एक बार सुबह उठते ही, बीच में दोपहर के टाइम में एक बार और एक बार सोने के बाद, ऐसे कम से कम 3 बार अगर वो करते हैं तो उनका जो घुटने का पेन है वो धीरे धीरे कम होते होते चला भी जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके घुटने का दर्द चला गया। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करना, ये देखकर फॉलो करना और अपने घुटने के दर्द को बाय बाय करना। चलो आज का वीडियो, ये जो वीडियो है मैं, चलो आज का जो ये, चलो ये घुटने के दर्द का जो वीडियो है मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।